हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। इसे पीने से आपकी सेहत को बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन के होता है, दिमाग को दुरुस्त रखता है। टमाटर सूप में भरपूर मात्रा में कॉपर और पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन की कमी को पूरा करता है। टमाटर सूप में विटामिन ए और सी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, वजन कम करता है और साथ ही साथ कैंसर जैसे खतरे को भी कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ एनीमिया की कमी को भी कम करता है। तो देखिए, टमाटर सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5-6 टमाटर ले लिए हैं, लाल रंग के आप टमाटर ले, और हमने यहाँ पे ले लिए 4 से 5 काली मिर्ची के दाने, 2 लौंग और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 6-7 कलियाँ हम यहाँ पे लहसुन की रख लेंगे। उसके बाद गैस पे हमने कुकर रख दिया है। कुकर में हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और 1 प्याज हम यहाँ पे डालेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमको फ्राई कर नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट करना है, जब तक कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक, लहसुन, काली मिर्च और लौंग डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेंगे टमाटर। टमाटर को आप इस तरीके से काट लें तो बहुत अच्छे से सूप में मैश हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्वादानुसार नमक, तो मैं यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच हम डाल लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। और 1/4 चम्मच हम डाल लेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम टमाटर में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं 2 गिलास पानी। आपको पानी इतना डालना है जो टमाटर के हल्के से ऊपर तक आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए, इतना पानी आप डाल ले। अगर आपको पतला सूप पसंद है तो थोड़ा पतला आप और कर सकते हैं, वैसे पीने में बहुत अच्छा लगता है पतला सूप। उसके बाद हम प्रेशर कुकर में यहाँ पे 2 सीटी लगा लेंगे, और आप मीडियम आंच पे गैस पे कुकर को रखें और 2 सीटी लगा ले। तो देखिए, 2 सीटी आ चुकी है। तो देखिए, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से छलनी की सहायता से हम छान लेंगे, और नीचे से आप एक बोल ज़रूर रखें जिसमें कि एक्स्ट्रा पानी आ सके। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको ग्राइंड कर लिया मैंने, कितने अच्छे से इसका सूप बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे छलनी की सहायता से हम अच्छे से फिर से छान लेंगे, ताकि जो भी टमाटर के बीज और छिलके हैं वो ऊपर ही रह जाएं। तो देखिए, इस तरीके से हम छान लेते हैं, और उसी पानी में हम छानेंगे जो हमने छानते वक्त निकाला था। तो देखिए, अब उसके बाद गैस पर हम एक पैन रख लेते हैं, और यहाँ पर हम एक छोटा पीस बटर का डाल लेंगे। बटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऊपर से सूप डालेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें सूप डाल लिया है। उसके बाद 5 से 7 मिनट हम इसे धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसको आप चला भी ले बीच बीच में 1-2 बार। तो देखिए, सूप हमारा लगभग बनके तैयार हो ही गया है। अब आप गरम गरम सूप एक बोल में निकाल के सर्व करें। चाहे तो ऊपर से गार्निश करने के लिए आप यहाँ पे क्रीम डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्दी है। तो आप ऐसे ही पिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे टोस्ट के साथ ले तो और भी अच्छा लगेगा, बच्चों को दे, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। मैंने आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बता ही दिए हैं, तो आप इसे ज़रूर पिए, इसी तरीके से पिए और ऐसे ही बनाए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है पीने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।